एक ही जैसे कपड़े पहने हुए इतने सारे बच्चे. लेकिन शौर्य ने तो छोटे बच्चे की बात की थी, ये तो 10-12 वर्ष के आयु के बच्चे लग रहे. हाँ चलो इनसे बात करके देखते हैं. अरे बेटा तुम हो कौन और तुम्हारी माँ कहाँ है? मामा मामा. ये तो तुम्हें मामा बुला रहा है. बेटा मामा नहीं माँ बोलो. तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ माँ. अरे मा, ये मा, बच्चा आखिर है कौन? ये तो भारत नगर की तरफ जा रहा है. चलो. अरे किसी के घर पानी आया है क्या? कोई है यहाँ पे? हो क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है. क्या हुआ कामिनी जी? अरे क्या बताए, ना बर्तन धुले, ना कपड़े धुले, ना सब्जी और ना कोई नहाया है. घर में एक बूंद पानी नहीं है. अरे तो आपको थोड़ा जल्दी उठना चाहिए था ना कामिनी जी. अरे मेघा जी हम तो सुबह 6 बजे से उठे हुए हैं, लेकिन पानी आए तब ना, तब तो कुछ करेंगे हम. अरे भारत नगर के वासियों, ये कौन सी नई समस्या आ गई? अरे पानी नहीं आ रहा है कहीं. हाँ क्या हुआ, आपकी भी सब्जियाँ नहीं धुली? अरे मेघा सब्जी अब्जियाँ छोड़िए, यहाँ तो मैं ही नहीं धुल पा रहा हूँ. लेकिन इतने चिंता किस बात की, थोड़ी देर में पानी आ जाएगा. अरे कब आ जाएगा, एक बूंद पानी नहीं है कहीं. मैंने टंकी वंकी सब चेक कर ली मगर पानी का नामो निशान नहीं है. ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ यहाँ. गोपू अच्छा सच सच बता है, पानी का नल तूने तो खुला नहीं छोड़ दिया था ना? अरे नहीं मम्मी, अगर पानी का नल खुला होता तो घर में पूरा पानी पानी होता ना. ओ नहीं तो क्या, लगता है सच में सूखा पड़ गया है. अब तो एक बूंद पानी नहीं है किसी के यहाँ भी. सबके घर पे अचानक पानी खत्म हो गया, जरूर कुछ गड़बड़ है. बालवीर बिना पानी के तो इन सबका जीवन रुक जाएगा. ये बच्चा भी न जाने कहाँ चला गया. शौर्य शायद सही कह रहे थे, जरूर इस सबके पीछे तिमनासा का ही हाथ है. फिर तो हमें जल्दी से जाकर विवान के घर में देखना चाहिए, वहीं सारी कहानी साफ होगी. छोटा सा बच्चा, कितने साल का था? अरे साल छोड़िए गिर पड़े जी, मुझे तो उस बच्चे की चिंता हो रही है. बाहर सीढ़ियों पर मिला हमें है? फिर पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया. क्या? इतना छोटा सा बच्चा गायब हो गया? हाँ लेकिन कैसा शक्य है करुणा जी, आपने कहा था वो छोटा सा बच्चा था. तो देखिए इतना छोटा सा बच्चा, फिर चाहे वो पीटी उषा का हो या मिल्खा सिंह का, ना चल सकता है ना दौड़ सकता है, अकेले कैसे चला गया? नहीं नहीं गिरबड़ अंकल, वो सच में बहुत छोटा था, लेकिन उसका पेट बहुत बड़ा था. वही की तरह 10 कटोरी पानी पी गया था वो. क्या 10 कटोरी? विवान ये बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है? हा? अरे सुबह तो बड़ा लेक्चर झाड़ रहा था, पानी बचाओ पानी बचाओ. मुझे सब पता है, तूने ही टंकी खाली की है, जरूर अपने दोस्तों के साथ मिलकर तूने ही बदमाशी की होगी. अरे नहीं नहीं दादाजी, मैं पर पानी वेस्ट करूंगा. करुणा जी. ओहो करुणा, करुणा जी. दादाजी सॉरी दादाजी. करुणा बहन क्या आपके घर में पानी आया है? पता नहीं हमारे घर में तो सुबह से पानी नहीं आया. आप लोगों के यहाँ भी पानी नहीं है? नहीं, हर जगह का पानी अचानक खत्म हो जाना, एक बच्चे का यहाँ मिलना और फिर खुद ब खुद गायब हो जाना, जरूर ये सब किसी कहानी का हिस्सा है जिसके पीछे तिमनासा की कोई चाल है. लेकिन आखिर वो करना क्या चाहती है? अरे भैरानी, और कितने बच्चे छोड़ने आपको धरती पे? अरे आप पर जनसंख्या ही बढ़ानी है तो हम लोग से इतनी मेहनत क्यों करवा रही है? वो लोग तो अपने आप ही बढ़ाते रहते हैं. महरानी नन्ही उंगली की कसम, इन बच्चों का राज तो बताइए क्या है. ये विचित्र मायावी मूर्ति बिना रुके बच्चे पे बच्चे बच्चे पे बच्चे पैदा ही किए जा रही है. ये ऐसा राज है जबदाली जिसे मैं भी भूल गई थी, पर समय रहते याद आ गया. ये कहानी मायावी नहीं बल्कि ममता भरी है.
ये कहानी काल रूपी वन की एक माँ और उसके बच्चे की कहानी है। उस दिन वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर खिला रही थी, तभी मैंने उसे अपने बच्चे से अलग कर दिया और उसे एक मूर्ति में बदल दिया। ये औरत मूर्ति तो बन गई, लेकिन इसके अंदर की ममता अभी तक खत्म नहीं हुई। इसकी अधूरी और प्यासी ममता आज भी जिंदा है। इसकी आंख से जब भी कोई आंसू गिरता है, वो एक बच्चे का रूप ले लेता है, एक ऐसा बच्चा जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती। पैरानी, सारा का सारा पानी पी गया? इसमें कभी ना खत्म होने वाला काल लोक का पानी है, जो इस बच्चे की प्यास नहीं बुझा सका। तो सोचो ये बच्चा धरती के पानी का क्या करेगा। अब समझ में आया मेरे, काल लोक का गंदा पानी पीकर ये बच्चे बीमार ना पड़ जाए, इसलिए धरती लोक पर साफ सुथरा पानी पीने के लिए आप भेज रही है ना। साफ नहीं, सारा पानी। ये बच्चे धरती लोक से पानी का नामो निशान तक मिटा देंगे। वहां प्यास तो होगी, पर पानी नहीं होगा। एक एक करके लोग मरने लगेंगे और बालवीर कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ना रहेगा पानी और ना बचेगी जान। मतलब पानी खत्म, बालवीर खत्म। किस बार तो बालवीर को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। इतना तो पक्का है कि पानी का यूं कम होना और ये लावर इस बच्चे तिमनासा के ही किसी चाल का हिस्सा है। ये सब किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन क्या? पानी की असली कीमत तो उसके ना होने पर ही पता चलती है। हाँ पानी परी, बालवीर वो बच्चा, ये वही लावारिस बच्चा है जो हमें मार्केट में दिखा था। ये सारे बच्चे कौन है इसका पता लगाने के लिए हमें इन बच्चों का पीछा करना होगा। परियो, एक एक बच्चे का पीछा करो। हाँ बालवीर। बालवीर, यहाँ पर भी ये बच्चा जमीन में से पानी निकाल कर पी रहा है। हाँ बालवीर, ये बच्चा भी वही कर रहा है। बालवीर, ये बच्चा तो और बड़ा हो गया। बालवीर, ये तो और पानी ढूंढ रहा है। परियो, इनका पीछा करके पता लगाते हैं कि आखिर ये सारे बच्चे करना क्या चाहते हैं। कौन हो तुम और इतना सारा पानी क्यों पी रहे हो? लगता है ये ऐसे मेरी बात नहीं सुनेगा। इससे कोई जॉब तो मिलने से रहा, मुझे कोई और रास्ता ही अपनाना होगा।
माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें मेरे साथ वीरलोक लेकर जाना होगा ताकि तुम्हारी जांच हो सके। हो बालवीर? अरे मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी आंखों में तो हमेशा गुस्सा ही भरा होता है, पर आज कुछ अलग दिखाई दे रहा है। आज तुम्हारी आंखों में मुझे सवाल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, वो भी दर्द भरे। दर्द तो तुम्हें होगा तिमनासा, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। अच्छा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त मुझे धमकी कम और सवाल ज्यादा करने चाहिए कि इस बार तिमनासा तुम ऐसा क्या करने वाले हो? कुछ बुरा ही करोगी, और आता क्या है तुम्हें? बहुत अच्छे से वाकिफ हो मेरी फितरत से, लेकिन इस बार मैं कुछ बुरा नहीं करूंगी। इस बार मैं बहुत बुरा करूंगी। उन बच्चों से तो तुम मिल ही चुके हो ना, प्यारे प्यारे से बच्चे। बालवीर, उन बच्चों में इतनी प्यास है कि वो पूरे ब्रह्मांड का पानी खत्म कर सकते हैं, लेकिन तब भी उनकी प्यास नहीं बुझेगी। तो सोचो धरती का पानी क्या है? कुछ भी नहीं, सूखा पड़ने वाला है धरती पर बालवीर। लोग तरसेंगे पानी की बूंद बूंद के लिए, धरती के कोने कोने से पानी खत्म हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लोग प्यासे मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे, लेकिन बालवीर बालवीर कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ देखता रह जाएगा। ये करेगी इस बार तिमनासा। रोक सको तो रोक लेना बालवीर। अलविदा। परियो, हमने सोचा था ये उतनी छोटी मुसीबत नहीं है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। खबर मिली है कि आज देश भर में पानी की भारी कमी हो गई है। कल तक जिसका अंदेशा भी नहीं था, आज वो मुसीबत अचानक सामने आई। छतों पे पानी की टंकी से लेकर नदी, समंदर, तालाब, हर जगह पानी खत्म होता जा रहा है। अरे विवान, जल्दी चल, सब लोग पवेली से पानी लेने जा रहे हैं। तेरी मम्मी ने तुझे बुलाने बोला है। पहले पवई लेक पे बोटिंग करने जाते थे, और अब ये बाल्टी लेके पानी भरने जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा, एकदम से पानी की इतनी शॉर्टेज। ये सब अपनी गलती है। जब पानी होता था तब तो हम लोग ऐसे वेस्ट करते थे जैसे कि कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, और अब देखो। यही नहीं, जो रोज इतने सारे ट्रीज कटते हैं वो भी एक रीजन है। ट्रीज के कटने की वजह से जमीन के अंदर पानी कम हो जाता है, उससे भी पानी की शॉर्टेज होती है। अब चलो, यहाँ पे हमारे गप्पे लड़ाने से कोई बारिश नहीं आ जाएगी। पानी चाहिए तो पवेली जाना ही पड़ेगा। हाँ चलो 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 चलो, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना तिमनासा के पीछे ये बच्चे पूरी पृथ्वी पर पानी खत्म कर देंगे। अगर तिमनासा के पास वो प्यासे बच्चे है तो हमारे पास पानी परी है। हाँ पानी परी, अब पूरी दुनिया की रक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। आपको अपनी शक्तियों की मदद से हर तालाब, हर नदी, हर समुंदर को भरना होगा। लेकिन बालवीर, मुझे इसमें तुम सबकी मदद चाहिए। हाँ पानी परी। अब देखते हैं तिमनासा की ये चाल कैसे कामयाब होती है।
बिन मौसम बारिश। लो तिमनासा, हो गई बिन मौसम बरसात, रह गई तुम्हारी सारी योजना धरी की धरी। हाँ बहनी, वो पानी परी हमारी पूरी योजना पर वो फिर गई। पानी? आ, ओ भैरानी, अरे आपका दिमाग है कि कबाड़? अरे हर बार एक बकवास योजना आती रहती है आपके दिमाग से। कभी फूल आया, कभी ताल वृक्ष आया, कभी पेड़ आया, कभी पंछी आया। अरे अभी अभी वो आपके वो वारिस जो भेजे थे ना अपने धरती लोक पे, सबके सब बेकार हो गए। ये इधर पानी पीते रहेंगे, उधर वो पानी परी पानी भरती रहेंगी। इधर ये पीते रहेंगे, उधर पानी परी पानी भरती रहेंगी। पीते रहेंगे भरती रहेंगी, पीते रहेंगे भरती रहेंगी, पीते रहेंगे भरती रहेंगी। क्या है ये? तुम पीते रहोगे, मैं पीती रहूंगी। पीते रहोगे, मैं पीती रहूंगी। हर चीज की एक हद होती है, उनकी भी होगी। माफ करना। अब धरती लोक से पानी की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। हो गया बालवीर, अब तुम लोग नीचे आ सकते हो। देवता ने बारिश की कि अपना पसीना पोंछ के छोड़ दिया। दो मिनट भी नहीं रुकी ये बारिश। विवान, वो देख। चिंटू, चिंटी, पापा आ गए पानी के साथ। हा? देखा अपने चैंपियन पापा का कमाल। डायरेक्ट मिनरल वाटर कंपनी से पानी भर के लाया हूँ। और सुनो, कोई भी पानी मांगने आए ना, एक बूंद पानी मत देना। अच्छा ठीक है, मैं पाइप लगाता हूँ, तुम ध्यान रखना। ठीक है पापा, चलो जल्दी। यहाँ पे पूरी सोसाइटी परेशान हो रही है और मिस्टर जी को सिर्फ अपनी पड़ी है। चलो एक एक बाल्टी तो चुरा ही लेते हैं। चल विवान। अरे वाह पापा, देखो लगाओ। यस, चिंटी मिनरल वाटर से नहाएंगे। पानी परी आंखें खोलिए। मतलब पानी परी की शक्तियां कम हो गई है, हमें तुरंत वीर-लोक लेकर जाना होगा। हो गई ना हद पार, खत्म हो गई पानी परी की पानी भरने वाली शक्तियां। लेकिन इन बच्चों की प्यास ना तो कभी खत्म हुई थी और ना कभी होगी। अब आएगा असली मजा।